विश्वविख्यात धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी के दरबार में शारदीय नवरात्रों की महाअष्टमी की धूम रही। इस मौके पर माता का विशेष पूजा अर्चन किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों से भी हजारों श्रद्धालुओं ने मां के दरबार पहुंचकर पावन पिंडी के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि महाअष्टमी के दिन ही माता भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। इतना ही नहीं, इसी दिन भगवान श्री राम ने सागर तट पर लंका विजय प्राप्त करने के लिए माता भगवती का पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर माता भगवती ने भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और विजय दशमी के मौके पर प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। उन्होंने बताया कि इसी समय से शारदीय नवरात्रों का प्रचलन शुरू हुआ था। जय माता दी। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि सभी जानते हैं कि आज जो कि शारदीय अष्टमी है, हम सभी जानते हैं कि इसी दिन ही भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान श्री राम ने आज के दिन ही समुद्र तट पर भगवती की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने विजय श्री प्रदान किया था और इसी शक्ति को प्राप्त कर भगवान श्री राम ने 10वें दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी। उसी दिन से शारदीय नवरात्रों का प्रचलन चला हुआ है। आज हमारे हिंदू समाज में इन शारदीय नवरात्रों का, विशेषकर नवरात्रों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इन नवरात्रों में हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को एक उच्च स्थान, एक उच्च गरिमामय स्थान प्रदान करता है। आज जो कि दुर्गाष्टमी है, हम भगवती से यही आराधना करते हैं कि माँ, आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, इस कोरोना महामारी से हमारे भारत देश की, पूरे विश्व की रक्षा करें। आप सभी भक्तों को एक बार पुनः शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है। आप सभी को जय। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।